अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ आशिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम सैटेलाइट ट्रिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीडी फ्री डिश। आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं जो चीज़ें हमें दरकार हैं और डीडी फ्री डिश लगाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताता हूँ। फॉलो कीजिएगा मुझे। ये देखें व्यूअर्स, ये रिसीवर, एक अदर रिसीवर आपने लाना है मार्केट से। ये तीन चीज़ों की चीज़ों की ज़रूरत है, एक रिसीवर, एक क्यूब एंड की LNB और एक ये डिश छोटी। और सबसे मेन बात, जब भी आपने सेटिंग करनी है, तारे वगैरह लगा के सीधा ऐसे छत पे नहीं चढ़ जाना कि ऐसे करने से आ जाएंगे, नहीं आएंगे। सबसे पहले आपने इसका कोड लगाना है, गूगल से निकाल के लगा लें या कि जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं उसको बोलें डीडी नेशनल का यार वो टीपी दे दे हमें। टीपी दे के आपने मैनुअल ऐड करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल ऐड करने का तरीका। मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाके एंटीना सेटिंग में जाना है, सॉरी एंटीना सेटिंग में नहीं, हमने ट्रांसपोर्टर लिस्ट में जाना है। ट्रांसपोर्टर लिस्ट में जाके हमने ऐड करना है। फ़र्ज करें हमारी, हमने NSS6 लगाई है 95 डिग्री पे आई, ठीक है। हमने यहाँ पे सेट का बटन दबा के हम इसको किसी में भी कर सकते हैं, जो भी क्यूब एंड होगी, हॉटबर्ड में करना चाहते हैं, बदर में या हमें तुर्क सेट में। ये देखिए NSS6 आ गई है। इसमें मैं ऐड करूँगा फ्रीक्वेंसी, ऐड फ्रीक्वेंसी। डीडी नेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो है 11 11 0 88, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसका जो सिंबल रेट है वो 29 29514, और ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने फिर ओके के बटन से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ये हमारी टीपी ऐड हो गई है जो हमने ढूंढनी है। अब उसके बाद ये आपने ये तार लगानी है, ये तार लगाएंगे। ये देखें ये मैंने लगाई है तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गई है। अगर हाईलाइट ये कम हो 20% 10% तो फिर आपने देखना है कि हमारी तार में कहीं ख़राबी आ रही है, ठीक है। अभी हमारी तार बिल्कुल ओके है, 45% 45 होगी, 48 होगी, 51 होगी या 68 होगी, 72 भी हो सकती है कहीं रिसीवर पे, क्योंकि मॉडल मॉडल में फ़र्क है। जी दोस्तों, मैंने अब ये लगा ली है। अब आपको मैं इसका सिग्नल, और सिग्नल ढूंढने के लिए आपको ये देखें, ये सूरज जहाँ से निकलता है ना सामने, अगर फॉर एग्जांपल सामने से निकलता है तो आपने राइट साइड पे थोड़ा सा राइट साइड पे डिश को करके सिग्नल को उठाना है। ये नहीं हो कि सूरज जहाँ से निकल उधर को या इधर को या लेंदे की तरफ, आपने ऐसे नहीं करना। जी दोस्तों, अब मैं लगाने लगा हूँ। डिश को आपने ऊपर नीचे करके लाजमी चेक करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि फोड़ी आ जाती है सिग्नल, लेकिन ये 2 मिनट में सैटेलाइट आ जाती है, कोई इतनी मुश्किल सैटेलाइट नहीं है। ये देखें 100% आ गई है, देख रहे हैं आप। आपने आपने स्टैंड को पकड़ के तो पीछे से प्लास्क के साथ आपने इसको टाइट कर लेना है, ताकि जो चैनल पकड़े रहे वो आगे पीछे ना हो। अब जो हमने टीपी हमने पकड़ लिया, अब हमने इसको स्कैन करना है। देखें जी स्कैन करने का तरीका, ये यहाँ पे टीपी ऐड होती है, ग्रीन से एडिट होती है और येलो से डिलीट होती है और ब्लू से स्कैन होती है।
हमने इसको ब्लू बटन दबाना है क्योंकि हमने मैनुअल इसको ऐड किया और मैनुअल ही ट्यूनिंग करनी है। ये देखिए 18 चैनल हमें मसूल हो चुके हैं। अब हमने इसको स्किप करें। आज़ाद दोस्तों, वेलकम बैक। लो दोस्तों, आप देखें, आप हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से हम दोबारा फिर आ गए। अब ये मैनुअल स्कैनिंग हो चुकी है, 18 चैनल उठाए हैं। अब हम इसको ब्लाइंड स्कैन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमने वापस जाना है, एग्ज़िट करके मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाके एंटीना सेटिंग में जाना है। एंटीना सेटिंग में जाके हमने NSS 6 में जाना है। ये देखें 95 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पे क्यू बैंड लाजमी करना है, और ये फिर क्यू बैंड करेंगे तो 9750 आ जाएगा। अगर आप सी बैंड करेंगे तो चैनल नहीं आएंगे। ये देखिए 5150 आ जाएगा। इसको सी बैंड करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आपने बाइक ए को भी ऑन कर देना है। उसके बाद डैजिक स्विच की सेटिंग का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक से ज़्यादा एल एन भी हो तो फिर डैजिक स्विच लगता है, वरना नहीं। अब यहाँ पे हमने ब्लू बटन दबा देना स्कैनिंग का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैनुअल था, ऑटो भी नहीं करना हमने, हमने ब्लाइंड स्कैन करना है। और FTA चैनल हमें चाहिए, हमने FTA करना है। नेटवर्क रिसर्च को भी ऑन करना है। अब ओके कर दिया मैंने। अब देखें, अब ये रिसर्च करेगा चैनल्स, हमें कितने चैनल देता है ये। दोस्तों ये बहुत आसान है। इसको अब मैंने जैसे आपको तरीका बताया, आप 2 मिनट में घर में लगा सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखिए पहली TP उसने उठा लिया, ओके लग गया, ठीक है। जैसे जैसे वो उठाई जाएगा और इधर चैनल आते जाएंगे। इधर TV चैनल होते हैं, इधर रेडियो के चैनल होते हैं। जी दोस्तों, हो गई है ट्यूनिंग हमारी। हमारे टोटल चैनल जो NSS 6 पे आए हैं वो है फ्री वाले, FTA चैनल हैं। 204 चैनल हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। इसको बड़ी आसान है, मज़े की सैटेलाइट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।